ऐसे तो आप लोग सुन ही लिया अभी जो हम लोग जो ऑलमोस्ट ऑल 9-10 पॉइंट्स हम लोग का वो था, उसमें एक पॉइंट लेप्स हो गया, द स्टेपल वीसा टू द सिटीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू विजिट चाइना, वो जो लिखना भूल गया एक्चुअली, वो भी हमारा कोड इशू है, वो डाला नहीं है। अभी जो जैसे हम लोग जो एजुकेशनल पॉलिसी का बोला, यहाँ में आप देख देख लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गिना चुना जो मेडिकल कॉलेजेस है, गिना चुना टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। सो दैट हम लोग का ये मांग ये है कि देयर शुड बी ए सफिशेंट मेडिकल और टेक्निकल कॉलेजेस ओवर हेयर एट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और यहाँ में पेट्रोलियम का भी एक जो सब्जेक्ट निकाला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ में रिसोर्स है, अरुणाचल में भी है, असम में भी है। सो दैट उसको हमारा जो जैसे नेरिस जैसे जगह में अगर सब्जेक्ट लगा दिया जाए तो उसमें हमारा स्टूडेंट कैटर हो जाएगा। और हमारा जो इंटर स्टेट बाउंड्री का जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग ने मीटिंग में आपसू को लेके हम लोग ने एक मांग रखा कि आपसू अरुणाचल जो है नेशनली और इंटरनेशनली बाउंड्री से घेरा हुआ है, आप तिब्बत से घेरा हुआ है, भूटान से घेरा हुआ है, आप जो म्यांमार से घेरा हुआ है, आप जो असम और नागालैंड से घेरा हुआ है। सो दैट जब असम और अरुणाचल का जब बात चलता है तो हम लोग जीए साहब हम लोग ने ये बोला कि गवर्नमेंट लेवल में सेटल तो हो रहा जरूर है, लेकिन उसमें आसू और आपसू शुड बी द पार्ट ऑफ दैट सेटलमेंट, सो दैट कि हम लोग भी ग्राउंड रियलिटीज को मालूम है कि हमारा लोग कहाँ कहाँ है। तो इन लोग को हम लोग आसू वाला को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी गवर्नमेंट ऑफ असम का तरफ से आप लोग भी पार्ट्स में रहिए, हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ में हम लोग भी पार्ट्स रहे, सो दैट जॉइंटली हम लोग जो डिस्कस करेगा और जॉइंटली हम लोग सेटल करेगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ जो मतलब इधर 1920 हो सकता है, सो दैट उसमें स्टूडेंट जो आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरवेंट करने से दोनों पक्ष का जो शांति हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा ये जो आफ्पा का बारे में, आफ्पा में कुछ स्टेट में अच्छा है, कुछ स्टेट में ख़राब है, तो कुछ कुछ स्टेट जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, वेरी इसमें भयानक है। तो क्योंकि इसको एक समय में हमारा किरण जैसे साहब बोला था कि लाइसेंस टू किल द इनोसेंट पीपल, बट देन अभी उसको नहीं बोला जाता है कि ये जो है आफ्पा को अगर सही ढंग पे यूज़ करता है तो वेलकम स्टेप है, तो टू डिटर द टेररिस्ट। बाद देन कुछ बहुत अभी लास्ट टाइम हम लोग वोटिंग इंसिडेंट नागालैंड को देखा है, जो इनोसेंट लोग को लेबर लोग को मार देता है, तो इस तरीका से जब मिसयूज़ करता है तो वी आर हेयर टू अपोज दैट वन आफ्पा, अदर देन दैट वी यूज टू वेलकम। एंड सेकेंड थर्ड थिंग्स जो है हम लोग का जैसे इन्फ्लक्स का बारे में जो बोला, इन्फ्लक्स तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन्फ्लक्स जो नॉट इज जो सेफ नहीं है, आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है इसमें सारा स्टेट को डिवाइड कर दिया, सारा स्टेट को डिवाइड जो है ILP स्टेट नॉन ILP स्टेट बना दिया। अभी अरुणाचल मेघालय कुछ हक तक है, और असम में भी कुछ शेड्यूल 6 में जो आया है उसको एग्जेम कर दिया, एंड नागालैंड पहले से ILP था, एंड देन मणिपुर में कुछ ILP दिया गया। ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, तो इसलिए नेसो ये कहता है कि आप जो कुछ कुछ स्टेट को ILP दिया जरूर है, लेकिन असम सेफ नहीं हो रहा। तो असम जब तक सेफ नहीं होगा, असम से तो इन्फ्लक्स आता है, क्योंकि असम इज नियर टू द बांग्लादेश, एंड जो कुछ भी यहाँ जो आ रहा है बांग्लादेश से तो आ रहा है, सो दैट वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट द असम फर्स्ट। If Assam is protected, then entire North Eastern state is protected. So that we are fighting against that. Recently, a meeting has been convened by our apex organization NESO there at Guwahati. So on our behalf, our General Secretary Ritin Tali sir, he has been there as a delegate. So by being there, hamara wahi mang tha. अभी हमारा आपसू इनकमेंट भी नया नया आया, तो आपने जैसे बोला कि दो मेंबर जो स्टेट गवर्नमेंट का साथ आसू और जो है हम लोग का आपसू से हम लोग को देना है, आपने कोशिश किया क्योंकि आपका भी नया एक टीम आया है दोजी और रितुम ताली के अंदर में, तो अभी ये पहल भी नया है अरुणाचल और असम गवर्नमेंट पेमा खांडू और हेमंत विश्व शर्मा का, तो कोशिश करेगा कि आप लोगों को एक मेंबरशिप मिले और आप अरुणाचल CM को और असम CM को भी खत लिखे इसके बारे में। जी जी, ये हम लोग प्रोसेस में है और हम लोग इधर में बहुत जोरों तोरों से इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, और ये आपसू का सिंस डे वन से हमारा ये डिमांड रहा कि अरुणाचल असम बाउंड्री का जो सोल्यूशन है, और यहाँ पे जहाँ तक देखा दो गवर्नमेंट तो बहुत सही है कि दोनों आउट ऑफ कोर्ट तो टेकल करके जा रहे हैं, लेकिन हमारा आपसू का मेन जो मुद्दा है हमेशा बाउंड्री जो डिस्प्यूट जो है नंबर वन एक एजेंडा लेके चला हम लोग ने, इसलिए इसमें
हम लोग जो है अपना अफसू से बोलो, हम लोग एक मेंबर तो मांग रहे, एटलीस्ट दो मेंबर जो अफसू से रहना है ये जो कमिटी में है, ये हमारा मांग है। और इसको जो भी है हम लोग चरतारोप डिमांड में भी हम लोग प्लेस करके जा रहे हैं। पहले के जो फॉर्मर आपसू यूनियन के जो मेंबर्स थे उन लोग ज़्यादातर अभी आईएलपी के लिए बहुत ज़्यादा उन लोग जोर देते थे और चेक भी किया करते थे बार बार, तो आप लोगों का कुछ अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ मुहिम स्टार्ट करने का सोचा है आप लोग? आईएलपी को तो ये चेक तो करना है, क्योंकि हम लोग जो है एक स्पेशल कैटेगरी का लोग है, स्पेशली जो अरुणाचली है, तो हम लोग प्रोटेक्टेड है तो सिर्फ आईएलपी के कारण। इसलिए आईएलपी का जो रेगुलेशन है इसको आप लोग पब्लिक डोमेन में बहुत जल्दी लेकर आएगा, तो हम लोग का जो एक वर्क प्लान है ये जो आप लोग को पब्लिक को आपका मीडिया के थ्रू हम लोग जल्दी ही बताएगा।